आज मैं करने वाली हूँ अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज़। मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, ये चलो मैंने सब सामान यहाँ से हटा दिया है। ये ऑल क्लीनर है, इस ऑल क्लीनर की खास बात ये है इससे जितनी से जितनी और जो ऑयल के दाग होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका वीडियो भी अलग से बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, चलो इसे सेट कर लेते हैं। मैंने नीचे जो बुक्स में कभी कभी पढ़ती वो रखी हैं और ऊपर की तरफ मैं रखूंगी जो बुक्स मैं रोज पढ़ती हूँ, उन बुक्स को मैंने ऊपर की तरफ को रखा हुआ है ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। और मैंने जो चालीसा हैं, कवच हैं छोटे छोटे, वो मैंने नीचे की तरफ रख दिए हैं। और कुमकुम अक्षत वगैरह मैंने इस तरीके के डब्बों में ऑर्गेनाइज किया है, जो कभी कभी यूज़ करती हूँ वो भी मैंने इस तरीके डब्बे में रखा है। छोटे से जो मंदिर होते हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। मैंने नीचे की तरफ माता की चुनरी रखी है, ऊपर की तरफ मैंने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रखे, एक छोटी सी बास्केट पे मैंने रोज की पूजा का सामान रखा हुआ है। इस तरीके से छोटी छोटी बास्केट होती हैं, ये ऑनलाइन और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। इससे छोटी से छोटी मंदिर या फिर किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और मैंने बहुत छोटे से मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज मंगाया इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए मेरा छोटा सा मंदिर है, मेरे पास मंदिर के लिए कोई अलग से कमरा नहीं है, जो ये छोटा सा कमरा था इसी को ही मैंने मंदिर बना लिया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।